आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 लाइनर सीरीज के अंदर पढ़ेंगे ओशनिक फ्लोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे कि आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, एबेसल प्लेन्स हैं, ट्रेंचेस हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? देखिए, जब सीवर्ड्स यानी समुद्र की ओर हम चलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से थोड़ा सा ढलान का रेट ज़्यादा हो जाता है, डिग्री जो है स्लोप की इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारी जो लेयर है दैट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ पे स्लोप 2 डिग्री से 5 डिग्री तक रहता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप के बीच में एक एग्जैक्ट बाउंड्री होती है जो इन दोनों को अलग करती है, दैट इज़ द एंडेसाइट पॉइंट। मतलब यहाँ पे आपको एंडेसाइट रॉक मिलेगी। कॉन्टिनेंटल राइज की बात करें तो यहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बिल्कुल फुट में ये होता है। एबेसल प्लेन्स की बात करें तो बिल्कुल फैला हुआ, जैसे अर्थ के ऊपर होता है ना प्लेन एरिया, वैसे ही समुद्रों में भी प्लेन एरिया होता है जिसे हम एबेसल प्लेन्स बोलते हैं। ट्रेंचेज में से खाई, इसका मतलब होता है खाई होना, है ना, ट्रेंचेज होना, डिप्रेशन होना। अब देखिए, कंप्लीट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है फुल वीडियो लिंक, वहां जाकर आप देख सकते हैं।